हेलो दोस्तों, टेक देश दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश, आज हम आपको बताने वाले हैं करेंट अफेयर का लेटेस्ट जीके क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए और किसी भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन। इससे पहले प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, डायल 112 सेवा के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया श्रेणी में किस राज्य की पुलिस को दुबई पुलिस अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर कार्यक्रम के दौरान तृतीय पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। ये जो है दुबई पुलिस अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर अवार्ड समारोह के दौरान तृतीय पुरस्कार नवंबर 2019 में मिला है। डायल 112 सेवा के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया का ये 26 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 26 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया था। और पहला स्थान जो है सिंगापुर पुलिस और दूसरा स्थान मिला शारजाह पुलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने यूएन ओमेन के साथ मिलकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए जागरूकता अभियान कहाँ से शुरू किया है? ऑप्शन है आगरा, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ये जो है ये अभियान का तिथि है 15 नवंबर 2019 और आयोजक गृह मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार और यूएन ओमेन मिलके ये किया गया। और इसका उद्देश्य था भारत की एकल आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 के बारे में जागरूकता करना। ठीक, और 112 को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम निर्भया कांड के तहत जारी किया गया है। निर्भया कांड के बारे में आप जानते होंगे, उनके चारों दोषी को फांसी का सजा दिया गया है हाल ही में। अभियान स्थल जो है सुल्तानगंज मेट्रो स्टेशन दिल्ली का है और यह अभियान 16 दिन के सक्रियता अभियान ऑरेंज द वर्ल्ड का भाग है। 16 दिन का सक्रियता अभियान 16 डेज के लिए। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का, दार्जिलिंग ग्रीन और वाइट टी को मिला भौगोलिक संकेत यानी GI टैग कब से प्रभावित हुआ? दार्जिलिंग ग्रीन और वाइट टी के लिए इसका ऑप्शन है 24 अक्टूबर 2019, 20 अक्टूबर 2019, 16 नवंबर 2019, 18 नवंबर 2019। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला 24 अक्टूबर 2019। यह जो है प्रभावी हुआ था 24 अक्टूबर 2019 को और दार्जिलिंग टी एसोसिएशन संस्थान द्वारा। और इसका उद्देश्य है दार्जिलिंग चाय के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सुरक्षा को मजबूत करना। भौगोलिक संकेत माल पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय एग्रोकेमिकल्स कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ये जो है 13 से लेकर के 16 नवंबर 2019 ये आयोजन जो है
आयोजन किनके द्वारा किया गया? आयोजन स्थल जो है ICARIAR नई दिल्ली, ठीक। और इसका थीम क्या था? एग्रोकेमिकल्स के विभिन्न पहलुओं पर देश की स्थिति। और आयोजक कौन थे? सोसाइटी ऑफ फेस्टिसाइड साइंस इंडिया, सोसाइटी ऑफ फेस्टिसाइड साइंस इंडिया। और इसका उद्देश्य क्या था? कठिन कीटनाशक प्रबंध में रासायनिक कीटनाशकों का भूमिका। और ये प्रतिबद्धता क्या था इसका? प्रत्येक 3 साल पर आयोजन करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का। किस संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय मिशन निष्ठा का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पुडुचेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू जम्मू कश्मीर इसका ऑप्शन होगा। इसका शुरुआत जो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अगस्त 2019 को किया गया था शुरुआत। ये जो है अगस्त 2019 को इसका शुरुआत किया गया था। और इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट निष्ठा का। और उद्देश्य क्या था? प्राथमिक स्तर पर ये जो है NISTA, ठीक, निष्ठा। और इसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सशक्त बनाना। जम्मू कश्मीर में उद्घाटन नवंबर 2019 में स्कूली शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव सरिता चौहान द्वारा किया गया। और प्रशिक्षण जो है 86,000 यानी 86,000 सरकारी स्कूलों के प्राथमिक शिक्षकों को जम्मू कश्मीर के हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस केंद्र शासित प्रदेश में बांस प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है दमन द्वीप, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा और चौथा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसका ये ऑप्शन सही होगा। ये जो है 2 नए केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे बांस प्रौद्योगिकी पार्क, नए बांस प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित होंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। परियोजना लागू होगी पूर्वोत्तर परिषद के तहत बेंत और बांस प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा। ये जो है 3 नए बांस प्रौद्योगिकी पार्क स्थापना राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से जम्मू और श्रीनगर के लेह में, और अन्य मंजूरी प्राप्त स्थल जो है दीमा असाओ जिला असम में बांस प्रौद्योगिकी पार्क पहले से स्वीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का। निम्न में से कौन सा राज्य केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी VRS जल गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 में शीर्ष 3 में शामिल नहीं रहा? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर, हैदराबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, कोलकाता। ये जो है इसमें जो है 1st नंबर पे रहा था मुंबई, और दूसरा नंबर पे रहा था हैदराबाद, और तीसरा नंबर पे था हैदराबाद और भुवनेश्वर, ये दोनों दूसरा नंबर पे था, और तीसरा नंबर पे था रांची। रांची तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। ये जो है इससे संबंधित मंत्रालय
संबंधित मंत्रालय था केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 16 नवंबर 2019 को जारी हुआ। ठीक, और ये संगठन जो है भारतीय मानव ब्यूरो के मदद से किया गया, और लक्ष्य जो है इसका लक्ष्य है 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत देश के प्रत्येक घर में नल लगाने और शुद्ध पानी उपलब्ध कराना है। सबसे ये शहर का नाम जो है दिल्ली के सभी 11 भारतीय मानक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, राधा कृष्ण माथुर, गीता मित्तल, सत्यपाल मलिक। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, राधा कृष्ण माथुर। और ये जो है लद्दाख से पहले उपराज्यपाल, लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं, और राधा कृष्ण माथुर को शपथ दिलाई गई गीता मित्तल द्वारा, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। किसके द्वारा? गीता मित्तल द्वारा। ठीक, वो गीता मित्तल जो है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, और ये राधा कृष्णन जो हैं ये उपराज्यपाल हैं, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल हैं। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, ये लद्दाख के उपराज्यपाल हो गए राधा कृष्ण माथुर, और जम्मू और कश्मीर के प्रथम राज्यपाल कौन हो गए? जम्मू एंड कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक, ये जो है 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती मनाई गई, और भारत के केंद्र शासित प्रदेश 9 और 28 राज्य, लेकिन बाद में जो है दादर नगर हवेली और एक और है दो को मिला के ये टोटल जो है टोटल केंद्र शासित प्रदेश 8 है और टोटल राज्य जो है 28 राज्य है भारत का। जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम गवर्नर सत्यपाल मलिक जो कि 13वें गवर्नर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, 18,000 से अधिक पक्षियां की मृत्यु हो गई है? ऑप्शन है सांभर झील, कोलेरू झील, डल झील, लोकटक झील। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, सांभर झील। ये जो है ये केस जो है नवंबर 2019 का है। ठीक, और ये इसका कारण था एवियन बोटुलिज्म, यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली की रिपोर्ट के अनुसार जो है एवियन बोटुलिज्म के कारण उनका मौत हुआ। ये जो है एवियन, इसको मैं लिख देता हूँ, एवियन बोटुलिज्म। एवियन बोटुलिज्म क्या है? ये जो है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न टॉक्सिन से होने वाली न्यूरोमस्कुलर बीमारी से इनकी मौत हुई है, और इसका प्राप्ति स्थान मृदा, नदी और समुद्री जल से यह हुआ है। ये 7 प्रकार के हैं ABCDEF। ये विशेष बोटुलिनम CD और E द्वारा पक्षी, मछली और स्तनधारी प्रभावित, और A, B और
ई तथा कभी कभी एफ द्वारा मानव प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपालों का 50वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है चंडीगढ़, नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ये आयोजन कब हुआ था? 23 और 24 नवंबर 2019 को आयोजन हुआ। आयोजन स्थल कौन सा था? राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र में मौजूद थे और समापन सत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। और इनका विशेष जो है राज्यपालों के 5 समूहों द्वारा राजनीतिक, कल्याण, जल, कृषि, उच्च शिक्षा एवं जीवन सुगम्यता पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गुरु नानक देव जी की स्मृति में सिख संग्रहालय और शोध केंद्र की स्थापना की कहाँ की जाएगी? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर। ये जो है सिख संग्रहालय और शोध केंद्र जो कि स्थापना की घोषणा किया गया है कब? 1 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये घोषणा किया गया है। ये स्थापित किया जाएगा जबलपुर में और निर्माण लागत जो है इसका टोटल निर्माण लागत 20 करोड़ रुपये है। और ये विशेष मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गुरु नानक की यादों से जुड़े प्रदेश में स्थित 6 प्रमुख सिख धर्म स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु 12 करोड़ रुपया प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 नंबर का क्वेश्चन है किस राज्य ने नया विदेशी सहयोग विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है ये जो है विदेशी सहयोग विभाग क्या है? फॉरेन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। ये जो है ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। ये जो है स्थापित हरियाणा द्वारा 19 नवंबर 2019 को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य है राज्य में निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना, हरियाणवी संस्कृति को प्रोत्साहित करना इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारतीय पोषण कृषि कोष की शुभारंभ किया गया? ऑप्शन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका सही आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इसका शुभारंभ कब किया गया? 18 नवंबर 2019 को इसका शुभारंभ किया गया। संचालन कौन था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। और इसका लक्ष्य जो है बेहतर पोषण परिणाम प्राप्त करना तथा कुपोषण को दूर करने के लिए बहुक्षेत्रीय ढांचा विकसित करना है। और ये जो है भारत में 128 कृषि जलवायु क्षेत्र में विविध प्रकार की फसलों का भंडार होगा और विशेष जो है इसका सतत विकास लक्ष्य जो है SDG 2 यानी शून्य भूख, इसका मकसद है कोई भी भूखा ना रहे। SGD 2 इसका मतलब हो गया यानी शून्य भूख। और इसमें दो वर्ड और है SDG 3
ये जो है अच्छा स्वास्थ्य, SGD-3 जो है अच्छा स्वास्थ्य के लिए है, और एक है SDG-6, ये जो है शुद्ध जल और स्वच्छता, इस परियोजना के माध्यम से आच्छादित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर का क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में 8वें कृषि सांख्यिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, नई दिल्ली। 8वां कृषि सांख्यिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है 18 से 21 नवंबर 2019 को ये आयोजन स्थल जो है नई दिल्ली है, भारत में पहली बार किया जा रहा है और कृषि मंत्रालय द्वारा इसको किया जा रहा है। ये 8वां संस्करण होगा और इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया जाएगा, केंद्रीय कृषि मंत्री, और इसका मुख्य अतिथि रहेंगे बिल गेट्स, जो कि दुनिया के अभी दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। बिल गेट्स इनके मुख्य अतिथि रहेंगे और इस वर्ष की थीम होगी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कृषि के परिवर्तन के लिए सांख्यिकी, एस्थेटिक्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये जो है पिछला सम्मेलन कब हुआ था, पिछला सम्मेलन 2016 में हुआ था रोम में हुआ था, और ये शुरू कब किया गया था, ICAS 1998 में शुरू किया गया था, और इसका विशेष प्रत्येक 3 वर्ष पर आयोजन किया जाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से 17 नवंबर के मध्य स्वच्छ निर्मल तट अभियान के तहत कितने चिन्हित समुद्र तटों पर व्यापक स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान संचालित किया गया? ऑप्शन है 25, 35, 40, 50। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 50। और ये जो है आयोजन कब हुआ, 11 से 17 नवंबर 2019 के बीच, और ये चिन्हित समुद्र तट जो है 50 समुद्र तट इसमें चिन्हित किया गया है, और ये संबंधित मंत्रालय है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, समुद्र तटों पर चिन्हांकन और संबंधित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परामर्श के बाद। इसका उद्देश्य है समुद्र तटों को स्वच्छ बनाना और जनता में तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है, और इसका पुरस्कार जो है अभियान की समाप्ति पर सर्वश्रेष्ठ 3 समुद्र तट पुरस्कृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का, 9 नवंबर 2019 को पहली बार जियोकेमिकल वेसलाइट एटलस ऑफ इंडिया कहाँ जारी किया गया? ऑप्शन है हैदराबाद, नई दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ये जो है जारी किया गया था कब, 9 नवंबर 2019 को जारी किया गया था हैदराबाद में, और विकसित किया गया किसके द्वारा, CAIR विकसित किया गया, CAIR नेशनल जियोमेटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, NGRI द्वारा किया गया, और ये जो है एटलस का उपयोग नीति निर्माताओं द्वारा पर्यावरणीय क्षति का आकलन करने के लिए। इसका विशेष जो है इस एटलस में 45 मानचित्र हैं, जिसमें देश के मृदा की तहत और उनके नीचे धातुओं, ऑक्साइड और तत्वों की विषय में जानकारी उपलब्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिसेरी नदी
पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम। इसका सही आंसर हो जाएगा सी असम, सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा सी अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ये जो है उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी में सेसरी नदी पुल पर उद्घाटन किया गया। पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई 200 मीटर है पुल की लंबाई, और पुल का निर्माण जो है सीमा सड़क संस्थान, सीमा पुल का निर्माण किनके द्वारा किया गया? बोर्ड BRO द्वारा, इसका BRO द्वारा किया गया, सीमा सड़क संगठन यानी बोल सकते हैं इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा परियोजना, ये जो है बर्मांक यानी प्रोजेक्ट बर्मांक के तहत किया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन चार परियोजनाएं हैं, बर्तक, अरुणांक, बर्मांक और उद्यांक, ये चार हैं। यह पुल जो है जोड़ेगा किसको? दिबांग घाटी को शिलोंग से जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में किस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग ग्रीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? ऑप्शन है केरल, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, अरुणाचल प्रदेश को मिला है। ये जो है और ये जो है आयोजन स्थल कहाँ है? आयोजन किया गया था नई दिल्ली, 15 नवंबर को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था 2019 नई दिल्ली में, और ये जो है अरुणाचल प्रदेश को मिला है। और इसका विशेष विजेता का चुनाव ऑनलाइन सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। सर्वेक्षण जो है ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का क्वेश्चन है, 59 नंबर का क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में किस स्थान पर आदि महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला नई दिल्ली। यह जो है आयोजन कब किया गया? 16 से 30 नवंबर 2019 को आयोजन किया, ये 2019 तक चला, और ये जो है आयोजन स्थल नई दिल्ली ही था, और उद्घाटन जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। इसका थीम क्या था? ए सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल आर्ट क्राफ्ट एंड कल्चर। मंत्रालय केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा किया गया, और इसका विशेष जो है जनजातीय संस्कृति और शिल्प कला भोजन आदि का प्रदर्शन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 पुरस्कार में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन है तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला तमिलनाडु। ये जो है 19 नवंबर 2019 को जो कि शौचालय दिवस मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर 2019 को, बड़े राज्यों में शीर्ष तीन राज्य जो है इसमें, पहला तीन राज्य कौन सा है? पहला है तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे हरियाणा था, और तीसरे नंबर पे जो है गुजरात, और ये जो है शीर्ष तीन जिला जो है, पहला सबसे तीन जिला था पेड़ापल्ली तेलंगाना का, फरीदाबाद हरियाणा का, और रेवाड़ी जो है हरियाणा का। ये तीन जिला
शीर्ष पे था और सर्वाधिक नागरिक भागीदारी वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। और उत्तरी जोन में शीर्ष पर तीन राज्य था, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये जो है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 का शुभारंभ जो है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया। और इसका मानक क्या था, मात्रात्मक एवं गुणात्मक स्वच्छता। इसका देश भर में 683 जिले के पूरे देश में 683 जिले के 17,209 गांव यानी ग्रामीण के 60,459 सार्वजनिक स्थल यानी विद्यालय, सरकारी विद्यालय, आंगनबाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, धार्मिक स्थल, बाजार आदि जगह जो है ये सब पे ध्यान दिया गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी सुझाव हो नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो भी नीचे कमेंट करके बताइए और उससे मेरा हौसला बढ़ेगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में कहीं भी पूछा जा सकता है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसके बाद भी हम अभी आपको और भी वीडियो अपलोड करेंगे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।